दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाते हुए पहली बार T20 का चैंपियन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हारे हुए मैच में शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड का घमंड तोड़ते हुए इस मैच को जीतकर चैंपियन बन गया। दोस्तों आपको बताएंगे इस मैच का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं क्या आप ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनने से खुश हैं या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल और आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। आज दोनों ही टीमों के पास इतिहास रचने का मौका था, क्योंकि आज सब कुछ छोड़कर अपने देश के लिए पहला T20 का खिताब जीतकर क्रिकेट की दुनिया में नया अध्याय लिखने का मौका था। दोस्तों इस महामुकाबले में किस्मत तो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जब सिक्का उछला तो एरन फिंच के पक्ष में गिरा। इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतना मतलब आधा मैच तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही जीत गई थी, क्योंकि जो भी टीम इस वर्ल्ड कप में टॉस जीता वो मैच भी वही जीता है। वही टॉस जीतकर फिंच ने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, तो न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन गपटिल और डैरिल मिचेल पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। 28 रन पर ही न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल के रूप में अपना पहला विकेट गवा दिया। मिचेल ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। चौथे ओवर में ही पहला विकेट गवाने के बाद न्यूजीलैंड की पारी काफी धीमी हो गई। कप्तान केन विलियमसन और मार्टिन गपटिल ने अपने विकेट बचाने के चक्कर में रन रेट गिरा दिया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में एक विकेट तो गवाए लेकिन सिर्फ 56 रन बना पाए, जिसकी वजह से अभी तक ऑस्ट्रेलिया ही न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रही थी। वहीं फिर मार्टिन गपटिल भी आज कंगारू गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, और जब मारनी चाहिए तो एडम जेम्पा ने स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा के उनकी पारी का अंत कर दिया। गपटिल ने 35 गेंदों में 28 रन बनाए। न्यूजीलैंड की अब यहां से काफी दबाव में थी, तो ऐसे में कप्तान केन विलियमसन ने रन बनाने का जिम्मा उठाया और फिर यहां से न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ती नजर आई। जी हां, आज फाइनल मुकाबले में विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए कप्तानी पारी खेली। पहले 20 गेंदों में विलियमसन ने 95 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन अगली 20 गेंदों में उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों की धज्जा उड़ा दी। पहले तो उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 13वें ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी उन्होंने अपना गियर 5वें नंबर पर डाला और मिचेल स्टॉक को तहस नहस कर दिया। 16वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टॉक पर जमकर हमला बोला। इस ओवर में उन्होंने 4 चौका और एक छक्का जड़ते हुए 22 रन ठोक दिए और फिर देखते ही देखते मात्र 48 गेंदों में ही 85 रन जड़ दिए। हालांकि वे अपने शतक से चूक गए, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्मिथ को कैच थमा बैठे, लेकिन फाइनल में इतना बड़ा पारी खेलना किसी शतक से भी कम नहीं है। जब तक विलियमसन मैदान में थे, कंगारू गेंदबाजों की हवा निकाल दी थी। वहीं विलियमसन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक समय 180 रन तक आसानी से पहुंचती दिख रही न्यूजीलैंड 172 रन बना सकी। हालांकि 172 रन T20 फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। अब ऑस्ट्रेलिया को T20 का चैंपियन बनने के लिए 173 रन बनाने होंगे। ऐसे में पहली बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज वार्नर और फिंच टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। 15 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान फिंच का विकेट गवा दिया। फिंच एक बार फिर से नाकाम रहे हैं और 7 गेंदों में सिर्फ 5 रनों का ही योगदान दे पाए। हालांकि इसके बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 12 ओवर में ही 107 रनों तक पहुंचा दिया। इस साझेदारी में डेविड वार्नर ने बेहतरीन पारी खेली। वार्नर 28 गेंदों में 53 रन बनाए, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच में न्यूजीलैंड से आगे रही। हालांकि वार्नर को बोल्ड ने 53 रन पर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी मिचेल मार्श ने 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके न्यूजीलैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। वहीं वार्नर के बाद मिचेल मार्श ने शानदार 77 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 7 गेंद पहले ही जीत दिला दी। अंत में मैक्सवेल ने भी 18 गेंदों में 28 रन बनाए। वहीं मिचेल मार्श को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया।